हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापू रोमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख के आओ जल्दी से, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। क्या दिखेंगी? लाइक जैसे हमने जीरो ऑर्डर को किया था, सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल दी है फर्स्ट ऑर्डर की, तो सारी चीजें सिमिलर होने वाली हैं, बस फर्स्ट ऑर्डर है तो थोड़े से चेंजेस आते जाएंगे साथ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, यानी कि जीरो ऑर्डर, चलो बताते हैं, पहले तो जीरो ऑर्डर बता देते हैं जो आप पढ़ चुके हो। जीरो ऑर्डर की अगर बात करें तो कुछ समथिंग लाइक दिस होता था, ए नॉट, ए की पावर जीरो से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन के हमें मिल जाता था। कुछ यही था जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो ए की होती थी वो जीरो पे डिपेंड करती थी एंड वहां से हमें प्रोडक्ट मिल जाता था। नाउ अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि ए का कॉन्सेंट्रेशन जो आर है, रेट जो है आर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ए की पावर वन पे। राइट, ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जब वन होगा तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली वी कैन से कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर वन, राइट, ये भी कह सकते हैं, एंड ए टू द पावर जीरो ये भी कह सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। सो इस तरीके से हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट जो है, इंटीग्रेटेड नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किसके इक्वल है। सो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिपेंड कर रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स आउट सी, और इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो देखने को मिल रहा है सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर ही डिपेंड कर रहा है, दैट इज ए टू द पावर वन, ये आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो वी कैन से, और या फिर बोल सकते हैं बी टू दी पावर वन पे डिपेंडेंट है। राइट, किसी भी एक मोलर कंसेंट्रेशन पे, किसी भी वन कंसेंट्रेशन टर्म में जब चीज डिपेंडेंट होती है, कौन सी चीज, रेट ऑफ रिएक्शन, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी से कि वो उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपके लिए जो मैंने आर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर वन एंड बी टू दी पावर जीरो लिखा है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ए टू दी पावर जीरो एंड बी टू दी पावर वन, ये जो मैं लिख रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों साथ में हो सकती हैं या हम अपने मर्जी से लिख रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, कभी रिएक्शन ऐसे लिखी है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वाई? बिकॉज देखो, बी की पावर जीरो इज समथिंग जिसपे डिपेंडेंट नहीं है, तो ए की पावर वन ही बचा, तब भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ये इसलिए लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि कभी ऐसी भी इक्वेशन लिखी हो तो आप पहचान पाओ कि फर्स्ट ऑर्डर कब है एंड कब नहीं है। ठीक है, तो यहां भी फर्स्ट ऑर्डर सबको दिख रहा है, सिमिलरली यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर सबको दिख रहा होगा। राइट, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गई। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर? जब ए की पावर या किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट पर्टिकुलर टाइम दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज दिस थिंग क्लियर? तो रिएक्शन सिंपली मैं यहां पे लिख भी देती हूं, ए प्लस बी गिव्स आउट सी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एंड दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आने की होती है इस चैप्टर में वो फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर से सबसे ज्यादा होती है। एंड जीरो ऑर्डर से और फर्स्ट ऑर्डर में भी कंपैरिजन करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर जीत जाएगा, क्योंकि यहां से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। टू थ्री के तो कम चांसेस होते हैं, जीरो वन के सबसे ज्यादा होते हैं, एंड वन के सबसे ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अच्छे से समझना, मैं यहाँ पे डेराइव करके भी आपको दिखा दूंगी, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अपने दिमाग में, एंड देन क्वेश्चंस उसी से लगते जाएंगे हर बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जरा। तो पहले क्वेश्चन लिख दें कि यहां पे हमें ए की पावर वन से क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। राइट, ए की पावर वन करी, हमें प्रोडक्ट मिल गया। सो क्या हमको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए टू द पावर वन? राइट, ये रेट कॉन्स्टेंट है और ये ए की पावर वन पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, ये आपने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज और आपने पहली पढ़ी है कि रेट इज इक्वल्स टू
-1/1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अब क्योंकि इंटीग्रेशन के टर्म्स में है, देन डी ए बाई डी टी। क्या ये बात पढ़ी हुई है, क्या ये बात याद है? बहुत जन्मों की बात नहीं है, अभी फर्स्ट वीडियो में ये बात, स्टार्टिंग के वीडियोस में सब बातें बता दी हैं, फर्स्ट सेकंड वीडियो के बीच में ही, कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई कि 1 to the power 1 रिएक्टेंट्स के। देन नीचे जो लिखा है उसका मतलब ये है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर 1, यानी कि इसको मैंने इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख दिया तो डी ए बाई डी बाई डी टी लिख दिया है, सिंपल सी बात है। सो डी बाई डी टी, अब ये 1/1 इज व्हाट, दिस इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये -1 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक रिएक्टेंट की बात हो रही है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है रिएक्टेंट नेगेटिव होता है, ये सब बताया हुआ है पहले स्टार्टिंग में। ओके तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों में आर आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से के ए टू दी पावर वन इज ए इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, राइट। 1/1 इज आई गेस समझ गए होगे, और यहाँ पे डी ए बाई डी टी लिख दिया है। चलो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं, ए को ए के पास भेज देते हैं और बाकी सबको एक साइड। सो वी कैन से डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस का के डी टी, क्या हम ये बात बोल सकते हैं, इसको वहां ले गए उसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, सिंपल किया है। डी ए बाई डी टी इज इक्वल, डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी। चलो जरा करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हैं, सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन बोथ द साइड। सो इंटीग्रेशन लगा देते हैं दोनों साइड, चलो माइनस तो बाहर आ जाएगा, के भी वैसे तो बाहर आ जाएगा, बताते हैं। चलो ये बात क्लियर है, अच्छा अब क्या दिख रहा है, अब चलो थोड़ा सा लिमिट लगाते हैं। देखो इंटीग्रेशन कर दिया तो लिमिट होती है ना, आपने पढ़ा होगा ये सब 12th के मैथ्स में, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट्स लगाओगे, राइट, लिमिट लगाते हैं। अच्छा जरा हम देखते हैं ध्यान से, ए वाले के टाइम पे इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा लेट करते हैं यहां पे, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी ए नॉट। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का उसको हम ए नॉट बोल रहे हैं, राइट। एट टाइम ये भी लिख लो, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जब जीरो टाइम, भाई इनिशियल टाइम यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से जब हम स्टार्ट कर रहे हो तो चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। देन कैन वी से कि अब इसके आगे हम लोग लेट करेंगे कि जो फाइनल या फिर रिमेनिंग, अगेन ध्यान से सुनना, आपको जीरो ऑर्डर में भी मैंने ये बात बताई थी कि जो फाइन जो ए जो हम मानते हैं ये ए, तो इसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है रिमेनिंग। ओके थोड़ा सा और समझो इसको, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों ए वन से बन रहा है प्रोडक्ट, राइट, ए से प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, दैट इज हमने बोला ए नॉट कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। आप क्या समझते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल ज्यादा होता होगा या फाइनल, ये कोई स्पीड नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ कम होगा या बढ़ेगा, सोचो प्रोडक्ट बढ़ता है या रिएक्टेंट बढ़ता है, वेरी सिंपल मैम, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है, रिएक्टेंट कम होता जाता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाती है, ये बात क्लियर है। तो यानी कि मैंने बोला कि जो ए है वो ए नॉट है वो तो इनिशियल हो गया बेटा, लेकिन जो ए है वो फाइनल है, राइट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और साथ में मैंने वहां मेंशन कर दिया है रिमेनिंग वर्ड, यानी कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, सिमिलरली जीरो ऑर्डर में मैंने ये बात बताई थी, वहां आपने उस तरीके से किया था, यहां भी मैं सेम बात बता रही हूं कि जब आपको क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है 75% रिएक्शन हो गई है एंड सो ऑन, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, ए की वैल्यू फाइनल क्या होगी, 75 नहीं होगी, 100 - 75 रिमेनिंग जो बचा है वो वैल्यू होगी। यहीं पे मैंने डिटेल बता दिया, क्वेश्चन करूंगी तो फिर धीरे कम बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो चलो बी ए एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, टाइम इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो जब फाइनल टाइम टी आया तो उस टाइम पे ए हो गई वैल्यू। चलो जरा सॉल्व करते हैं इसी के आगे, यहां से कंटिन्यू कर रही हूं मैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इक्वेशन टफ लगती है लेकिन होती नहीं है ज्यादा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से ये, अच्छा टाइम लगा दें, ये जरा लिमिट लगा देते हैं, ए से बन रहा है, सॉरी ए नॉट से बन रहा है ए एंड जीरो से बन रहा है टी, राइट, ए नॉट से ए, जीरो से टी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए, मुझे ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए होता क्या है। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है, थोड़ा सा नहीं आता तो यहाँ पे रट लेना, इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट यू कैन लर्न इट, कि भाई डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन लॉग ए होता है, लॉग ए किसका इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बेसिकली लॉग ए होता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। लॉग ए, लिमिट लगा देंगे ए नॉट से इज इक्वल्स टू,
यहाँ पे माइनस के बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है, देन क्या लिखा हुआ है डी टी, राइट, टाइम का इंटीग्रेशन। तो टाइम का इंटीग्रेशन हम बोलेंगे जीरो से टी, ठीक है, टाइम इंटीग्रेशन टाइम का। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो सिमिलरली लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल, लॉग बेस ई है ये भी याद रखना, ये तो सिंपल है भाई, लॉग बेस ई की सारी बातें चल रही है, इज इक्वल्स टू माइनस का के। अच्छा अब ये बताओ इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज टी माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस के इंटू टी, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब एक बात और सुनो, ये तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल सबको, इसको चलो ऐसे भी लिख सकते हो आप, लॉग ए टू द बेस ई इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट टू द बेस ई माइनस के टी, ठीक है। अब यहां तक की बात सबको क्लियर है, थोड़ी सी बातें सुनो, कि पहली चीज नंबर वन ये वाली आपकी, क्या मैं ये इरेज कर दूं, या आई थिंक सबने लिख लिया होगा, समझ गए होगे, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। अब सुनो, अगर हम बोले किसी का लॉग x टू द बेस e और इसको हमें बदलना है लॉग बेस 10 में, देखो जो भी क्वेश्चन आएगा बेस 10 के टर्म्स में आएगा, e कुछ जो है वो 10 ही रखते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में वी आर टेकिंग e z लॉग बेस 10, राइट, सो यहां पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में, तो ये होता है 2.303 लॉग x टू द बेस 10, ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक, फिर से सुन लो, फिर से बताते हैं, अगर हमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको करने से लॉग बेस 10 में चीज कन्वर्ट हो जाती है, तो यहां पे जरा सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या ये लिख सकते हैं हम इसको 2.303 लॉग a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग a नॉट टू द बेस 10, मेरा माइक ऑन है, यस ऑन है, माइनस k इंटू t। तो ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथ सिंपल लगाते हैं, क्या हम पूरे को डिवाइड बाय होल डिवाइडेड बाय 2.303 कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन, तो हमें मिल जाएगा लॉग a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग a नॉट टू द बेस 10 माइनस k टी डिवाइडेड बाय 2.303। क्या ये बात सबके समझ में आई या सबके दिमाग से उड़ गई, बताओ, फिर से मैं रिपीट करती हूं, हम लोगों ने सिंपल, बहुत सिंपल बातें करी हैं, देखो पहले तो जो आप इक्वेशन लॉग तक पहुंच जाओ, वो लॉग तक पहुंचना इज अ बिग थिंग, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि पहली बात लॉग बेस ई में है, लॉग बेस 10 में बदलना है, बेस 10 में करने के लिए 2.303 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस 10 में चीज कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट कर लिया, 2.303 लगा दिया, अब हमने देखा थोड़ा सा 2.303 दो तीन जगह आ रहा है, जरा डिवाइड कर लेते हैं, राइट, तो या कॉमन ले लेते हैं, जो भी आप कह लो उसको, कॉमन ले लो या डिवाइड कर लो, तो हमने कॉमन ले लिया या डिवाइड कर लिया, तो क्या हो गया लॉग ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको इस पूरे में, क्योंकि अगर यहीं पर दिक्कत आ जाएगी भाई तो दिक्कत होगी, क्लियर है ये बात सबको, और यही आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, लॉग ए टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप सो आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, यही आपकी इंटीग्रेटेड, कहीं लिखा हुआ है, ऐसे कर देती हूँ, दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, अब इसको थोड़ा सा फर्दर और भी सॉल्व करना है, कर लेंगे, यहां तक की बात आई होप सो सबको क्लियर होगी, चलो ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो जरा इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, तो हम लोगों ने इक्वेशन कौन सी देखी, हम लोगों ने देखी लॉग ए इज इक्वल्स टू बेस 10 लॉग ए नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303, राइट, ये इक्वेशन आप लोगों ने अभी अभी लिखी होगी, चलो थोड़ा सा आगे इसके कंटिन्यू करते हैं, तो अगर हम न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूमेरिकल्स में टाइम निकालने को बहुत बार आता है कि टी की वैल्यू बताइए या टी हाफ बताइए या समथिंग लाइक दिस, तो टी की वैल्यू जरा निकाल के देखते हैं यहां से, सो फ्रॉम हियर वी कैन से पूरा के टी वाला टर्म इधर ले आएंगे, यानी कि टी यहां पर रह गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग, चलो यहां पर डायरेक्ट लिख दो के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट टू द बेस 10 माइनस ए टू द बेस
लॉग ए टू द बेस 10, राइट। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? व्हाट डू यू नो द फॉर्मूला अबाउट लॉग एम माइनस लॉग एन? मेरे ख्याल से होता है लॉग एम अपॉन एन, राइट। लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं लॉग एम यानी कि ए नॉट अपॉन एन यानी कि ए टू द बेस 10, राइट। ये बात आ गई यहां से। और केटी की वैल्यू अब इंटू क्या करेंगे, इंटू 2.303 और क्या है यहां पे डिवाइडेड बाय के, राइट। ये बात सही है, टी निकालना है, के को नीचे ले गए उसको वहां ले गए, तो यहां से टी की वैल्यू आ गई। ये बात सबको समझ में आ रही है, ए नॉट अपॉन ए इंटू 2.303 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से हम बोलते हैं टी इज इक्वल्स टू 1 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए टू द बेस 10 इंटू 2.30 या 2.303 आगे लिख देती हूँ, 2.303 अपॉन के। बताइए इस चीज में किसी को कोई दिक्कत ना हो तो नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला आप समझ गए होगे, इस वाले फॉर्मूले को ही हमने सिंपल लगाया हुआ है। अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी कंफ्यूजन है इधर इस पूरी इक्वेशन में तो आप बताना, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात मैंने की नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो वैल्यू थी टी की वैल्यू निकाल ली है, एम माइनस एन लगा दिया है, तो आएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए। सिर्फ एक दो फॉर्मूला है, एक ये हो गया, एक आपने पहले वाली इक्वेशन पढ़ ली, वो बेसिकली ये आपको लर्न कर लेना, ऐसे समझो। You have to learn this, because when you learn this equation, then only you will be able to solve the numericals based on this. Okay, next. अब इसके आगे समझने के लिए जरा मैं इसको erase कर देती हूँ। अच्छा ये जरूर से note कर लेना, next value जरा देखो। ये तो आपका आ गया न्यूमेरिकल वाली पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी में एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो कहाँ से आता है? तो वो आता है यहाँ से। अच्छा इस फॉर्मूले को जरा just a second. इसको जरा नोट जरूर कर लेना, मैं इसको साइड ही कर देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। यहाँ पे चलो इस जरा फॉर्मूले पे वापस आओ, क्या हमने ये इक्वेशन निकाली थी? देखो ये इक्वेशन जो है ना, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या इसको भी बोल, दोनों सही है। लाइक मैं ये बता रही हूँ, मैं 10 to the base 10 लग रख रही हूँ जब, तब वो वाली इक्वेशन आ रही है। जब बेस 10 नहीं रख रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन आ रही है, ई वाली इक्वेशन को जरा पीछे लेके चलते हैं और एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। बोल रहा है लॉग a to the base e is equals to log a naught to the base e minus kt। देखो यही इक्वेशन है, a to the base e is equals to a naught to the base e minus kt, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं यहां पे लेके आ गई। इस इक्वेशन से जरा कुछ चीजें डेराइव करते हैं, जैसे कि क्या हम ये बोल सकते हैं इसको log a to the base e minus log a naught to the base e is equals to minus kt, राइट। उसको वहां ले आए वाला टर्म, kt को एक साइड कर दिया, ओके मैम समझ गए। क्या इसको हम ये बोल सकते हैं log a अपॉन a नॉट टू द बेस e इज इक्वल्स टू माइनस kt? ये कहां से आया? तो ये आया इसी वाले से, m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n, ठीक है ये रख दिया मैम, समझ गए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर कभी लिखा होता है log, यहां समझो log x टू द बेस e इज इक्वल्स टू y, तो क्या हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू y टू द बेस e? बताओ अगर लिखा है log x टू द बेस e, सॉरी e टू द बेस y, सॉरी a टू द पावर y, ये बोल सकते हैं हम log x टू द बेस e इज इक्वल्स टू y, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा e की पावर y, राइट। e की पावर y, यहां से जरा निकालते हैं इसको, तो यहां पे लिखेंगे हम log, ओके सो log a by a naught is equals to minus kt, e to the power minus kt, and this is again very important because this is the exponential form, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नोट करो इसको, माइनस के, के की पावर माइनस के टी लगी हुई है, नोट करो इसको जल्दी से। और मुझे बताओ क्या इसमें भी किसी को कोई दिक्कत? क्या हम यहां से ये सारी बातें बोल सकते हैं? इनफैक्ट इसके आगे अभी एक चीज आप और भी कर सकते हो, वो क्या है? अगर आप यहां, अच्छा सॉरी वहां पर लॉग भी तो हटेगा ना, जस्ट अ सेकेंड लॉग हट जाएगा, ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ये बोल सकते हैं, लॉग है ना वो तो हट गया, ओके मैम ये हम बोल सकते हैं। तो फिर यहां पर आगे भी हो सकता है फर्दर, इसको हम और भी आगे लिख सकते हैं कंटिन्यू करके, क्या लिख सकते हैं इसको? हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू
ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, राइट, एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी वाला स्क्रीनशॉट होना चाहिए। मैं हट जाती हूँ वरना मैं भी, मेरी भी शक्ल आ जाएगी स्क्रीनशॉट में, राइट। चल तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ गए हो कैसे वैल्यू आई है। एक मैंने ये वैल्यू निकाल के दी है, एक ये वैल्यू निकाल के दी है, एक 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 ये वैल्यू निकाल के दी है, इन्हीं से तीनों से क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोच रहे हो मैम तीनों से, तो देखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, देन एक्सपोनेंशियल कुछ टर्म्स में आ जाता है कई बार, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। चलो कैन वी मूव, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, यस मैम। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा तो यूनिट तो खैर मैंने बहुत बार निकलवाई है, स्टिल मैं एक बार यहाँ पे भी कर देती हूँ। यूनिट ऑफ के निकालना है, देखो सिंपल फॉर्मूला होता है आपका। अच्छा रेट कैसे निकालते हो, जो सिंपल वाली इक्वेशन है उसी से मैं कर रही हूँ, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले में आप बोलते हो कि मैम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वॉट, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, सो सेकेंड इनवर्स, ये होता है। फिर होल डिवाइडेड बाय क्या करते थे, फिर अगेन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम की पावर वाई। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह बल्कि क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह होगा मोल, मोल पर लीटर। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रही है, कहां से आया मैम मोल पर लीटर, आधे बच्चे तो सो गए होंगे ना, मैम ये क्या बता रही है, सब कोई बात ही नहीं बताने वाली यार। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या है, ये वो वाली वैल्यू है जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो सारे टर्म्स को नीचे ले आते हो, सिंपल वही वाला। दोबारा मैं बता रही हूँ ये रिएक्शन, ये वैल्यू निकालना के की वैल्यू आपको पता है ना ऑर्डर पर डिपेंड करती है, तो बस वही बता रही हूँ। अब एक्स प्लस वाई, अगर आपको ये नहीं आता तो पहला बहुत ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आने वाला, ठीक है। तो x प्लस वाई करके ऊपर ले जाएंगे, x प्लस वाई बच्चों इक्वल होता है, जब इसको प्लस करोगे तो ये इक्वल हो जाता है n के, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1, ये देखो 1 है, ये पावर हो जाएगा माइनस n, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट यहीं से बता रही हूँ, ये जिसको समझ में नहीं आया है वो वीडियो जरूर देख लेना, अदरवाइज नहीं आएगा एल्स, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये आता है आपका फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें रखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, फॉर एन इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन 1 रखेंगे तो आप बोलोगे बच्चों मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, दिस 1 माइनस 1 इज वॉट 0, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि फाइनल वैल्यू जो आती है वो आती है सेकेंड इनवर्स, ऑल्सो आप आर इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट आती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट आती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है भाई, यहां 1 माइनस 0 रखोगे तो 1 ही रहेगा, सो मोल पर लीटर पर सेकेंड आती है इसकी, जीरो ऑर्डर की मोल पर लीटर पर सेकेंड आती है, 2 रख दोगे तो 2 वाली आ जाएगी वैल्यू। क्या यूनिट क्लियर है किसकी, के की, व्हाट इज के। आधे लोग तो यही सोच रहे हैं मैम ये यूनिट तो आप निकलवा रही पर किसकी निकलवा रही है, सो दिस इज बच्चों रेट कांस्टेंट, ठीक, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट यूनिट आती है सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। चलो नेक्स्ट, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके कुछ कुछ बातें होती हैं, जैसे कि पहले बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओबेज द इक्वेजन, एक इक्वेजन को ओबे करता है। कौन सी इक्वेजन आप लिखोगे इस टाइम पे, तो आप सेकेंड वाली इक्वेजन लिखोगे इस टाइम पे, सेकेंड वाली इक्वेजन इज दिस इक्वेजन, ठीक। टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग a0 अपॉन a टू द बेस 10, ठीक है। तो कौन सी इक्वेजन ये ओबे करता है, देन यू आर गोइंग टू राइट दैट सेम इक्वेजन, सो वी कैन से इट ओबेज लॉग टी से डायरेक्ट लिख दें, टी इज इक्वल्स टू 1k/2.303 लॉग a0/a^10, ठीक है, विजिबल है, ओके।
तो ये आ गई इसकी इक्वेशन. सो दिस ओबेज दिस इक्वेशन. सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यूनिट ऑफ के आर टाइम इनवर्स. वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ टाइम. तो आपको भाई आप देखते ही समझ गए होंगे जो आपका टाइम निकल के आया है, इसलिए मैंने यहाँ डेराइव करके भी दिखाई थी. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मोल पे पर लीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. मोल पर लीटर होता क्या है? तो मोल पर लीटर होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन. राइट, मोल पर लीटर इज व्हाट? मोल पर लीटर इज अ कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. अब क्वेश्चन आपको आ सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में, किसी में भी आ सकता है ये चीज कि कौन सी ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसका रेट कॉन्स्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट इज जिसमें हम जब वैल्यू रख देंगे तो जो के की यूनिट आएगी वो सेकेंड इनवर्स, सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है. ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी यूनिट है जो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करती है रिएक्शन. तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द आंसर. बात समझ में आ रही है सबको? ओके, तो एक तो इसकी ये बात हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. किस पे डिपेंड करता है? तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? तो टाइम सेकेंड इनवर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये बात समझ गए होगे. आर इनवर्स भी इसको बोलते हैं, मैंने बता दिया है. नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट एंड ए मे बी टेकन इन एनी यूनिट सच एज ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर एटसेट्रा. ठीक, जब आप लिखोगे तो आप किसी भी यूनिट में इसको ले सकते हो. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट. ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसको कंप्लीट होने का जो टाइम हम मानते हैं वो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगता है. ठीक, अब आपको पता होगा मैंने बहुत बार वीडियोज में ये बात बोली भी है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो 100% नहीं अकर करती हैं. राइट, हमेशा रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है. मैनेज करना पड़ता है इन द सेंस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो एक इक्विलिब्रियम में जाके रुकता है, फाइनल कंप्लीट कभी नहीं होता. राइट, देन टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट अ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब ये जो टाइम होता है कंप्लीट करने के लिए डेफिनेट फ्रैक्शन को वो रिएक्शन वो डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे. आप सोच रहे होगे इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना. राइट, ये तो एकदम विदाउट सेंस वाली बात हो गई है. तो इस बात को मैं जरा यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाऊंगी हाफ वाले में. तब तक के लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. नेक्स्ट इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ. टी हाफ होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ हाफ लाइफ इक्वेशन या हाफ लाइफ पीरियड तो आप क्या समझते हो? मैम हाफ, हाफ मतलब आधा. तो बस यहाँ पे वही मतलब है. हाफ लाइफ पीरियड दैट इज जितना भी हाफ 50% इक्वेशन होने में 50% रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड. सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन. आधी रिएक्शन कंप्लीट, 50% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो लगता है वो होता है हाफ लाइफ रिएक्शन या हाफ लाइफ पीरियड जो बोल लो. चलो इसको जरा डेराइव करते हैं. इसको डेराइव करने के लिए वापस उस इक्वेशन में आओ जो होता है टी इज इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय ए. राइट, ये इक्वेशन हम लोगों ने बहुत ही बार अभी तक इसी वीडियो में बोल दी है. मेरे बोलते बोलते ही आपको याद हो गई होगी. राइट, चलो अब इसी में जरा हम टी हाफ निकालते हैं. क्या निकालना है हमें? फॉर 50% रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड. ठीक है, टू बी कंप्लीटेड यानी कि टी यानी कि रिएक्शन जो है वो 50% जब हुई होगी दैट इज इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ के टाइम पे बात कर रहे हैं. चलो अगर हम बात करते हैं टी हाफ तो बताओ मुझे क्या आएगा? मान ले क्या अच्छा हम ये बोल सकते हैं जब 50% रिएक्शन है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, जब 50% रिएक्शन है उस टाइम पे ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 हुआ होगा. बताओ. अच्छा अभी मैं फिर से वो बात अपनी रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ जो अभी मैंने बोला था कि ए नॉट इज ग्रेटर देन ए. याद रखना ए नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए. यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट्स की बात हो रही है.
ठीक, तो रिएक्टेंट्स के टाइम पे ए नॉट ए से बड़ा होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमने जो रिएक्टेंट्स डाले हैं, तो जब हमने वो रिएक्शंस दी रिएक्टेंट्स डाले हैं उस टाइम पे वो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, राइट। तो जब हम हाफ की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ए डिवाइडेड बाई टू, ए नॉट बाई टू, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो आधा कंप्लीट हुआ है फाइनल वाले से, ठीक है। और टाइम तो खैर टी बाई वन बाई टू ही लिख देंगे तो इसमें दिक्कत होगी नहीं। चलो तो जरा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टी इज इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इनटू लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय बेस 10 है और क्या है साथ में ए, ए को क्या रख देंगे, ए को रख देंगे ये वाली वैल्यू ए नॉट अपॉन 2, राइट। अब ये ऊपर जाएगा 2 अपॉन ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से टी इज इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इनटू इनटू ऊपर गया 2 लॉग सॉरी 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 लॉग बेस 10 इनटू 2। नाउ दिस लॉग 2 टू द बेस 10 इज 0.3, याद कर लो रट लो, याद कर लो रट लो, अगेन मैं बोल रही हूं ये 0.3 के इक्वल होता है। क्यों याद कर लो रट लो, क्योंकि इक्वेशंस में बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू डायरेक्ट लॉग 2 की आ जाएगी, तो लॉग 2 टू द बेस 10 इज 0.3, ठीक है। चलो इसको रखते हैं, सो यहां से हम बोल सकते हैं टी इज इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इनटू टी हाफ की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनटू 0.3। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो नियरली आती है 0.693 के अपॉन 0.303 ये क्या होता है, ये होता है आपका 2.303 डिवाइडेड बाय की, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने के ऊपर लिख दिया वो नीचे लिख दिया, क्या पहले भी ऐसा तो नहीं लिख दिया है, सॉरी बस यहीं पे वो लिख दिया, ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाय के, सॉरी के अपॉन 2.303 लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे एक करेक्शन होगा, करेक्शन क्या होगा, अगेन ये भी करेक्ट होगा, हर जगह से बस ये वाली वैल्यू करेक्ट होगी, दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये क्या आ गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के, 2.303 डिवाइडेड बाय के, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, एंड जब आप 2.303 इनटू 0.3 करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टी हाफ। क्या ये बात यहां तक सबको क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा और लिख देती हूँ अच्छे से यहाँ पर डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी टी हाफ की, फ्रॉम हेयर वी कैन से कि हमारा टी हाफ जो आता है वो होता है 0.693 होल डिवाइडेड बाय के। क्या ये बात सबको क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है, टी हाफ कैसे आया, सिंपल इक्वेशन में हमने सारी सॉल्यूशन सॉल्व किया है, ए नॉट की, ए की जगह ए नॉट बाय टू रख दिया सिंपली, तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस 2 टू द बेस 10 आपको याद करना है 0.3 होता है, सो 0.3 व्हेन वी विल पुट द वैल्यू उस टाइम पे द वैल्यू विल बी कम एज 0.693, तो ये नियरली वैल्यू होती है, नियरली इक्वल होता है, ठीक है। चलो क्या यहां तक की बात सबको क्लियर, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस बात का, ले लिया, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कहता है ग्राफ बनाइए। अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे लॉग ए का टाइम के साथ, ठीक है, सो वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ लॉग ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर हम लॉग ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन को ध्यान से देखो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा जो हमारे जीरो ऑर्डर में भी बना था,
ऐसा नेगेटिव नेगेटिव क्यों बना है मैम? बिकॉज बच्चों यहाँ पे स्लोप जो आएगा वो इक्वल होगा माइनस के अपॉन 2.303। जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा माइनस के, माइनस नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव यानी कि उसमें स्ट्रेट लाइन जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, ऊपर से नीचे स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय टाइम, ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये आया है आपका यहां से, इस इक्वेशन से आया है, लॉग ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। लिख दूं मैं इसको यहां पे, कहां गया कहां गया, लॉग ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट टू द बेस 10 माइनस के अपॉन 2.303। नाउ दिस माइनस के अपॉन 2.303 इसको मैं यहां पे लिख दूंगी कुछ इस तरीके से, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू लॉग लॉग ए नॉट टू द बेस 10, ठीक है। मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब मैम आपने ऐसा क्यों किया? बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले, क्योंकि बच्चों ये क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए मैंने ऐसा किया। सो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम इज इक्वल्स टू आएगा माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। एंड हेंस ये वैल्यू मैंने उठा के यहां पे रख दी है। तो यहां पे जो स्लोप आपको पता है ना, स्लोप इज व्हाट, टैन थीटा, और या तो बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 नेगेटिव का। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आई होप समझ गए होगे इस बात का मतलब, समझ गए अच्छे से, जल्दी से नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इज आस्किंग फॉर द क्वेश्चन, सॉल्यूशन बताना है आपको। क्वेश्चन वन इज सेइंग अ रिएक्शन विच इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे गैप है, विद रिस्पेक्ट टू ए हैज रेट कॉन्स्टेंट 6 मिनट इनवर्स, यानी कि के की वैल्यू दी हुई है 6 मिनट इनवर्स, ठीक है। आपको टाइम सेकेंड में, मिनट में, आर में, किसी में भी दिया हो सकता है। इफ वी स्टार्ट विद ए, वी स्टार्ट दैट इज ए नॉट की वैल्यू दी है 0.5 mole per liter, वेन वुड ए फाइनल रीच द वैल्यू ऑफ 0.05 mole per liter, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वो बोल रहा है कि सिक्स जो के है वो 6 मिनट है, ए नॉट जो है वो 0.5 है, ए जो है वो 0.05 mole per liter है, तो वो बोल रहा है किस टाइम पे, आस्किंग फॉर द टाइम, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे पहले तो ये ध्यान से सोच लो। एक तो इक्वेशन आप ये लगा सकते हो, पहले तो आप खुद से लगा के ट्राई करना, ठीक है, पता चला मैम के भरोसे ही बैठ जाओ। कहां गया कहां गया, इधर यू कैन ट्राई दिस वन, दिस 2.303 इट इज विजिबल, ओके इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, सो आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई दिस इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये वाली इक्वेशन लगा लो, ज्यादा ईजी रहेगा, जिसमें आपको लॉग ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है, क्योंकि ई वाला तो रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कोई भी रख लो। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं जल्दी से क्या हो सकता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लॉग के, सीधा टी निकालें, टी इज इक्वल्स टू के, सॉरी 2.303 डिवाइडेड बाय के, अरे यार ठीक है, माइनस सॉरी प्लस लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए, यही वाली इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन लगेगी पहले, तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यार जो हम लोगों ने टाइम, इसीलिए मैंने बोलता टाइम की वैल्यू याद रखना। सो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए टू द बेस 10, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। यहां से ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है,
टी आपको निकालना है 2.303 डिवाइडेड बाय के, कुछ गिवन था 6 मिनट इनवर्स 6। अच्छा कभी कभी आपको बोलेगा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे तो लिखा है इज ओके, नहीं दिया है तो क्या करोगे, यूनिट के की यूनिट से ही जानना है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकेंड या जीरो या जो भी। ठीक है, तो लॉग व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट इज 0.5 डिवाइडेड बाय ए इज व्हाट 0.05, राइट। यहां से आप ध्यान से देखोगे तो ये हटेगा, जीरो लगेगा, 10 आ जाएगा, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 6 लॉग 10 टू द बेस 10। अब भाई 10 टू द बेस 10 अगर मुझे बताने की जरूरत है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर बता देती हूँ। तो ये आ जाएगी वैल्यू, यहां से मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, यहां से मैं इसको यहां पे कंटिन्यू कर रही हूं। फ्रॉम हेयर वी कैन से टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से टी इज इक्वल्स टू 0.3838 समथिंग आएगा, चेक कर लेना एक बार, 0.3838, ठीक है, टी, और क्या आएगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लगाया है, सेम इक्वेशन रख दी है, लॉग की वैल्यू रखते गए, दैट्स इट, सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़े, नोट कर लिया, इसको हम मिनट इनवर्स नहीं बोलेंगे, मिनट बोलेंगे, सॉरी मिनट, राइट, क्योंकि वो मिनट इनवर्स तो के टाइम पे लगता है, टाइम तो मिनट्स में आएगा। चलो कमिंग ऑन, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ, हमेशा गिवन लिखा करो पहले, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। रिएक्शन रेट ऑफ के इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, के की वैल्यू दी है 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, राइट। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम टू रिड्यूस 10 हाफ ऑफ द इक्वेजन, 10 नहीं होगा यहाँ पे, रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इक्वेजन, कितना टाइम लगेगा। अब देखो हाफ की बात हो रही, यानी कि टी नहीं टी हाफ पूछ रहा है, हाफ की बात हो रही यानी कि टी नहीं टी हाफ पूछ रहा है। टी हाफ तो यार बहुत सिंपल सी इक्वेजन है, 0.693 डिवाइडेड बाय के, राइट। अब देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, देखने में बहुत इजी है, बहुत इजी, यही क्वेश्चन बोर्ड में बच्चे गलत करके आते हैं, क्यों, फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा होता उन्हें, फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा होता है कि भाई जीरो का कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए गलतियां करने लगते हैं। यहाँ पे होगा 0.693 डिवाइडेड बाय के कितना है, 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, सो टी हाफ विल बी इक्वल्स टू 0.693 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब इसको 693 इंटू 10 टू द पावर 3 भी बोल सकते हो, राइट, पॉइंट हटाओगे, 0 0 कैंसिल करोगे, या तो वैसे बोल लेना, तो ये डायरेक्ट आंसर आपका आएगा समथिंग इक्वल्स टू 693, राइट, पॉइंट हटा वो कैंसिल हो गए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ऊपर गया तो प्लस 3 हो गया ना, ऊपर गया तो प्लस थ्री हो गया, तो ये हटा, 3 0 कटे, तो 693 टी हाफ की वैल्यू आएगी, और क्या दिया हुआ है, मिनट सेकेंड, सेकेंड तो आंसर होगा सेकेंड्स, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है ये, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू डन इन होमवर्क, डू इन होमवर्क, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, ये बाकियों से भी ईजी है, लेकिन आपको करते टाइम लगेगा, बाकियों से टफ है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड है आपके सारी जो मैंने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे स्टार्टिंग जब करिए तो जो बातें बताई उस पे। देखो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स, ठीक है, तो 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 5 मिनट्स में। अगर आपने जीरो ऑर्डर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है। इन वॉट टाइम विल द रिएक्शन बी 60% कंप्लीटेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, आप नॉर्मल भी कर सकते हो, कि अगर कोई रिएक्शन 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट ले रही है तो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई इट एट होम एंड डू कमेंट द आंसर बिलो, ठीक है।
सो दैट्स इट इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड वैल्यू. रिएक्शन की आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी भी रिपीट कर रही हूँ उस बात को, फॉर्मूलाज पे बहुत फोकस करना, याद करना. फिजिकल केमिस्ट्री में एक हमेशा नोटबुक बनाए रखा करो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहे होते हो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, दिस इज फॉर योर मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स. सभी सब्जेक्ट्स के लिए पीसीएम में जितने फॉर्मूलाज हैं उसको हमेशा कॉपी के लास्ट पेज में, जो हम लोग अपनी कला दिखाते हैं सब लोग, उसकी जगह जरा क्वेश्चन फॉर्मूलाज नोट कर लो, देखना कितना फायदा करेगी. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.